आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज, मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी सेवक संघ गुना संभाग के कर्मचारी प्रधान डाकघर के सामने विगत इनकी ये हड़ताल सातवें वेतन आयोग की कमेटी की रिपोर्ट न दिए जाने के विरोध स्वरूप जारी है। साथ ही इनकी अन्य भी कई मांगे हैं जिनको पूरा न होने तक इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन जारी रखने की बात सेवक संघ के सदस्यों ने की। बताएं आज आपको हमारी हड़ताल इसलिए हो रही है कि हमको सातवें वेतन आयोग की जो कमेटी बैठा ली थी उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक हमको नहीं दी, और हमारे जो परमानेंट भाई हैं उनको सातवें वेतन आयोग का सब कुछ मिल गया है, और हम लोगों के लिए उनने कमेटी नहीं उतरी, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी उसको भी नहीं मानी, जो हमारी चार मांगे हैं वो इसमें इस तरीके से, और हम हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल है, हमारी मांगे पूरी हों जब तक हम हड़ताल करेंगे, जब तक मांगे पूरी। आज आपकी हड़ताल को तीसरा दिन है। नानाखेड़ी मंडी के सामने एक अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में घुस गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन पूरी दुकान तबाह हो गई। हादसा तब हुआ जब ट्रक चालक अपने ट्रक को बैक कर रहा था और इसी बीच एक दुकान में वो ट्रक जाके भिड़ गया जिससे पूरी दुकान तबाह हो गई है। हालांकि यहां पर चालक ने अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए दुकानदार को हुए सारे नुकसान की भरपाई करने की बात भी कही। ये ट्रक वाला कहाँ गया? ट्रक उस वाली दुकान पे था। चालक कहाँ गया? ट्रक चालक ट्रक चालक कहाँ गया? क्या ट्रक चालक ट्रक चला रहा था? ट्रक चालक इधर है, उसने क्या बोला? बोला इधर आइए। रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज रोजगार सहायक संगठन ने मुख्यमंत्री एवं पंचायत मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आज इस तरह के ज्ञापन प्रदेश में समस्त 313 ब्लॉकों के लगभग 23,000 रोजगार सहायकों के द्वारा सरकार के नाम सौंपे गए हैं। आज प्रदेश के समस्त 23,000 पंचायतों के रोजगार सहायकों ने 313 ब्लॉकों में सीएम साहब, माननीय पंचायत मंत्री भार्गव जी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के ACS माननीय राधेश्याम जुलानिया जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है। वर्तमान में रोजगार सहायक अल्प वेतन में काम कर रहे हैं मनरेगा के तहत। शासन ने हमको आज से 4-5 साल पहले अस्थायी रूप से सहायक सचिव के पद पर नियुक्त किए थे। रोजगार सहायकों को मांग है कि इसी पद पर उनको स्थायी रूप से नियुक्त करते हुए एक वेतनमान निर्धारित किया जाए जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, और हम शासन हित और जनहित में अपना जीवन सुरक्षित रखते हुए काम कर सकें। अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन भर्ती के संबंध में अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला कलेक्टर से मिला। गौरतलब है कि अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती हेतु जरूरी दस्तावेजों के अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, पर गुना में यह अनुभव प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। साथ ही ऑनलाइन भर्ती के अंतिम तिथि भी नजदीक होने की स्थिति में आज अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर अनुभव प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करवाने की गुहार भी लगाई। आपको चाहिए ऑनलाइन में लगा जाओ, इधर मिल रही होते इधर आ जाए। इस बार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ऑनलाइन हो रही है जिसमें अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं अनुभव प्रमाण पत्र के लिए, जबकि अन्य जिलों में अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं। जो हमारे पास आदेश हैं जिला विदिशा और शिवपुरी का, जिसमें ऑनलाइन के लिए जो अनुभव कार्य दिवस अतिथि ने पढ़ाया उसके अनुभव जारी कर दिए गए हैं, लेकिन गुना जिले में अनुभव जारी नहीं किए गए जिससे अतिथि शिक्षक परेशान हो रहे हैं और आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए। क्या नाम है भैया? मैं सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ गुना।
विशेष नमाज के बाद आज जिले भर में हुई झमाझम बारिश। आज शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय ने बारिश के लिए अदा की विशेष नमाज। इस्तिस्का। मुस्लिम धर्म के अनुसार ये विशेष नमाज ईश्वर से बारिश रूपी नेमत मांगने के लिए अदा की जाती है तथा इस नमाज के बाद बारिश के लिए खास दुआ भी की जाती है। गौरतलब है कि गुना जिले में बारिश न होने से किसानों समेत सभी जिलेवासियों के माथे पर शिकन साफ देखी जा सकती थी, लिहाजा बारिश न होने के इस विकट समस्या से निजात के लिए आज मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने ईदगाह पहुंचकर बारिश के लिए विशेष नमाज अदा की एवं ईश्वर से बारिश की दुआ भी मांगी। वहीं इस नमाज के तुरंत बाद ही आसमान में बादल छा गए और शाम होते होते बारिश हुई, जो कि पूरे जिले भर में हुई। हालांकि जिले में कुछ जगहें छूट गई हैं जहां पर बारिश नहीं हुई है। इस बारिश को लेकर किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। माइक में पकड़ा मेरा कैमरा, जल्दी ले लो। मुस्लिम समाज की तरफ से नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और उन्होंने फरमाया कि जब लोगों में और इंसानियत को पानी की परेशानी आने लगे और इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि खेतियों को पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये परेशानी लोगों के गुनाहों की वजह से आती है। जब समाज में और इंसानियत में ज़िना, धोखाधड़ी और गुनाह आम हो जाते हैं और लोग ईश्वर से और अल्लाह से तोबा नहीं करते तो अल्लाह ताला पानी को रोक देता है और पानी की परेशानी पैदा कर देता है। आज यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया था। यहाँ पर तमाम लोग भी जमा हुए थे, उसके साथ साथ जानवरों को भी जमा किया गया था यहाँ, जिसमें भैंस, गाय, बकरियाँ तमाम सब लोग अपने जानवर भी लेकर आए थे। और अल्लाह ताला से दुआ का की गई है कि मालिक ये जो पानी की परेशानी आ रही है उसको ख़त्म कर दे और बारिश को, रहमत की बारिश को नाजिल फरमा दे। आज ईदगाह पे मुस्लिम समाज के वरिष्ठ, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। ये जो बरसात रुकी हुई है तो अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीका है कि दो रकात नमाज नफिल इस्तिस्का पढ़ी जाती है, तो इसमें जानवर भी अपने अपने लेकर आए सब लोग और मुस्लिम समाज के सभी लोगों ने नमाज पढ़ाई है और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश नाजिल करे। डीजे में हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।